जिन रहते कहाँ हैं। पहले दर्स में हमने ये बताया कि पहले तो पूरी ज़मीन पर यही रहते थे। जब इन्होंने ज़मीन में फ़साद किया तो फरिश्तों ने इनको हांग के जज़ायर के अंदर पहुंचा दिया। समुंदरों के अंदर जो जज़ीरे हैं वो इनकी जगह, असल इनके यानी जो इनको अल्लाह की तरफ से दी गई जो जगह है वो जज़ायर हैं। लेकिन इसके बाद और जगह भी यानी जो जुज़वी तौर पर इनको अलाट की गई हैं, रहते हैं जहाँ पर इंसानों की आबादियों के अंदर भी। उनके लिहाज से मुख्तलिफ़ अहादीस से जो सबूत मिलता है तो जहाँ भी निजासत की जगह हो, पलीदी की जगह हो, मसलन कूड़े करकट का ढेर है जहाँ भी, तो ये उनकी यानी गटरों और निजासत की जगह इनका डेरा होता है। और ऐसे ही हम्मामात जो हैं, हम्माम यानी जहाँ बंदा कपड़े उतारता है, ऐसी जगह ये चूँकि है शैतान और जिन्नीत इसमें है, इसी वजह से यानी हम्माम में नमाज़ पढ़ने से रोका गया। वो हम्माम जो पुराने ज़माने के होते थे, हमारे हम्माम तो और तरह के हैं, यानी वो एक हाल नुमा जिनमें दरमियान में गुसल खाने के बाहर भी खुश्क जगह होती थी। उस लिहाज से फिर हदीस शरीफ में मना किया गया और इसलिए कि वहाँ जिन्नात होते हैं। ऐसे जहाँ ऊँट बांधे जाएँ, ख़ुसूसी तौर पर ऊँटों के बांधने की जगह, और गधे जहाँ बांधे जाएँ वो माव शैतान, यानी ज़्यादा वहाँ पर जिन्नात होते हैं। इंसान की हालतों में यानी जिस वक़्त इंसान कपड़े उतारता है तो इसे इस पर ज़्यादा ख़तरा होता है जिन का। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त तुम कज़ाए हाजत के लिए कोई बंदा जाए, इज़ा अता अहदुकुमुल खला, बैतुल खला में या किसी जगह कज़ाए हाजत के लिए बैठे, फल यकुल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्से वल खबाइस, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ खुब्स और खबाइस से। तो चूँकि उस वक़्त भी यानी ये ख़तरा होता है कि वो इंसान की शर्मगाह के साथ खेलना शुरू ना कर दें, तो उससे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये दुआ मांगने का हुक्म है। और ये जामे तिरमज़ी, नसाई और इब्ने माजा में मौजूद है। तो इस तरह यानी दरख्तों के साए के नीचे इनके मस्कन पाए जाते हैं, नहरों दरियाओं के किनारों पर इनके मस्कन होते हैं। और घरों में जहाँ हड्डियाँ फेंकी जाएं, हड्डियों पर ये ज़्यादा आते हैं, चूँकि हड्डियों के बारे में हदीस शरीफ में है कि इनके लिए उन पर गोश्त बन जाता है। और इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मंजूर भी करवाया था कि ये हड्डियों को कोई इस्तिंजा वग़ैरह में इस्तेमाल ना करे, कि ये हमारी खुराक है। ऐसे ही यानी रंगों में से जो बिल्कुल सुर्ख रंग है उसके लिहाज से इनका ज़्यादा इनको पसंद है और आना जाना इनका उस वजह से हो सकता है। बाकी शरीयत मुतहरा के लिहाज से यानी जिन मुकल्लफ़ हैं, जिस तरह के आयत में है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इनको भी यानी मुकम्मल अहकाम दिए गए हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में इसलिए ही बार बार कहा गया है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कुमा ज़मीर जो तस्निया किया, ये जिन और इंसान दोनों को यानी बार बार ख़िताब किया गया कि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं और तुम फिर नेमतें सब कुछ ले के उन नेमतों को झुठला रहे हो, तो तुम हक़ अदा करो अल्लाह का कि बंदगी की वजह से।